चले हो बीरा बाजे धर्मी देव अरे जड़ गई फुलड़ा ने महाराज था जो धीरज बंदेरिया था आज काल महाराज तो मोको लगे तो खेली नहीं लीन खचकवारी बात करे जनी टेम गुरु गोरखनाथ कई रानी सर हाथ रो प्रेम रो भोजन जी में रानी सर ने क्यों आप धीरज करो अपने सुपुत्र प्राप्ति रो वरदान दे उला मु आप हां हां विश्वास राखो मन में जनी टेम गुरु गोरखनाथ सातवा पियाला रे महीने शेषनाग पद्मनाग रे चरणों में जार पहुंचे जवे सातवा पियाला रे महीने हां सातवा पियाला रे महीने शेष नागण्या चमर ढुलावती तकी फूल हजारी मरवा मोगरा चंदन केसर गुलाब रा बाग बगीचारी क्यारिया बनी तकी तकी माता बाचल रानी गुरु गोरखनाथ देखो अपनो कलंग मिटावर लिए सातवा पियाला में पहुंचे जवे गुरु गोरखनाथ सातवा पियाला में पहुंचता तका सारी नागिना केवल लगी है क्यों हे प्रभु आओ हे नाथ क्या बात देव लोग छोड़ मृत्यु लोग छोड़ आप सातवा पियाला में पधारे हो ऐसी कई विपता पड़ी आपरा देव लोग रे मायने हाँ मनी तो को तो खरी जनी टेम गुरु गोरखनाथ केवल लगा गुरु गोरखनाथ शेष नागण्या ने केवन लागा क्यों हे नागण्या आओ कटे हे पद्मनाग हाँ जनी टेम शेष नागण्या पद्मनाग के लिए केवन लागी क्यों हे गुरुदेव आओ माना राजा तो बार पोड़िया तका है हाँ शेष नागण्या गुरु गोरखनाथ ने केवल लागी अशोक कई विपता पड़ी आपरावणी ने दो देव लोग में इंद्र लोग में मृत्यु लोग में पृथ्वी पे जो आपने सेठ सातवा पियाला में आवना पड़ियो हाँ मानी बताओ तो खरी अशोक कई दुख आयो है आप हाँ जनी टेम गुरु गोरखनाथ शेष नागण्या ने कई प्रकार अरदास करे और केवल लागा अच्छा करे
मृत्यु लोग रे मायने शतरानी बाछल दे कहीं जीवू हे नागरिया पाताल लोग जैसे अनेक मृत्यु लोग है वणी में एक शतरानी बाछल रानी रो नाम एक रानी है ने पुत्र कही जे वातो हे नागरिया ने पुत्र बिना ओल्यादरी कही जे वा वणारो कोई मुखड़ो देखनो पसंद नहीं करे है हाँ देखिए बहुत दुखी है हाँ मैं इलिए अनि सातवा पियाला में पदम नाग ने लेवन ने लिया आयो आया अरे यनी रे कामस पियाला आया राजा ने जगा वाले लिए नागिया ने क्या मन लागो खे नागिया ओ मृत्यु लोग रे मायने शत्राणी बाचन दे कही जे ने पुत्र ने बाजिया कही जे बाजिया रानी कही जे वणारे पुत्र प्राप्ति रे लिए मैं सातवा पियाला में आयो हूं और आप पदम नाग ने पर जगाओ जगाओ जनी टेम शेष नागिया पदम नाग ने जगावे सातवा पियाला रे महीने जगावे जनी ना टाइम शेष नाग उठी गुरु गोरखनाथ रा चरणा में प्रणाम करे रोग दीदो आखिर शिव जी रो उतारे वो नाग केवन लगा हे गुरुदेव धन घड़ी धन भाग मारे गुरु गोरख आया द्वार द्वार मना जाग्या पूरवला भाग भागो भाग हे गुरुदेव आओ कणी प्रकारो आप सातवा पियाला रे महीने पधार्या हो हाँ माने बताओ देव लोग छोड़ियो मृत्यु लोग छोड़ियो सातवा पियाला में आप कणी कारण पधार्या हो अशी कई विपता पड़ी भारी भारी नौ खंड चौदह भवने अत्री बड़ी बड़ी शक्तियां धरती पे हैं। हाँ।
और ऐसी कई जरूरत पड़ी आप सातवां पियाड़ा में पधारिया हो आया हो मुँह अपना दर्शन करीन मारा भी भाग्य जागा है गुरुदेव हाँ तो गुरु गोरखनाथ रो पदम ना खूब स्वागत की दो सातवां पियाड़ा में अरे जनी टेम गुरु गोरखनाथ पदम नाग ने केवल लगा हो काम टाले सावरो हो बिरा कर हीरो किरतार वो बड़ी सावनी अरे आपने आनो वो मृत्यु लो नागेश्वर केवल लागा गुरु गोरखनाथ पदम नाग ने केवल लागा माता बाछल रानी रा पेट आपने जन्म लेना पड़ेगा जेवर सिंह जी सतराणी बाछल जेरे कलंग में आपने मिटाना पड़ेगा आपने धरती पे जन्म लेना पड़ेगा धरती पृथ्वी रा धनी वाजोगा वाजोला आपने एक बार मनुष्य योनि में आवणो पड़ेला पड़ेला धरती पे एड़ो एड़ो दुख री घड़ी आवेगा वणी दुख ने आपने झेलनो पड़ेगा पड़ेला गौ जुणी रा रखवाल्या वाजोगा मरती गाया रा आप प्राण बचाओगा बचाओला धर्म रे प्रतीक आपरो शीश कटे दोगा फिर आपने पाछो नागरी ओनी में अवतार होवेला वेला खाकल देव धर्मराज ताका श्याम धर्मी राजा गोक्षवान श्री श्री 1008 गातोड़ जी रे नामो धरती पे पूजे जाओगा जे हो जनी टेम नाग देवता केवन लागा ठीक है हुकुम मने आपरो आदेश मंजूर है अब मृत्यु लोग रा देव साक्षात पधार्या हो मने लेवारे लिए मारो भी ओभाग्य है जो मु नाना प्रकार मृत्यु लोग रा प्राणी रा मु दर्शन करी पौला पौला वणी टेम गुरु गोरखनाथ सातवां पियाड़ा में वना पदम नागरी गुगल बनाई बनाई पदम नागरी गुगल बनाई आप जैसा महापुरुष क्यों गुगल गौ माता रे पुत्र प्राप्त हो वाह भाई वाह अने पृथ्वी पे आया रे बाहर हाँ गौ माता रे गोबरू दो कमल प्राप्त हुआ है कैसा कैसा रक्त कमल और नील कमल जो भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी रे पास में वाह भाई वाह और
ये गौ माता रे मूत्र प्राप्त हुई है गुगा। और बाबूजी एक बात बताऊं, जय हो, कि अगर 33 करोड़ देवता कटे इकट्ठा बेटा ने इकट्ठो मंदिर है, जय हो, तो वो है गौ माता रो शरीर। 33 करोड़ देवी देवता रे भोग लगाओ के एक गौ माता रो पेट भरो। बात बराबर है, पर आजकल ना मन भाई माँ दूध पावे ने अपनी माँ जो भाई दूध पाई ने अपना ने तरह मोटा किया, पर अपनी माँ ने तो अपनी माँ ने आजकल रोटा नहीं दी रहा बाल दी, ठीक है बात चमक छल्लो आया करे रोटा नहीं दी रहा ने। दूसरी बात है बनी गाय ने भी बाबड़ी ने भूड़ी भी आकर कटर में ठोके दहरे थी दीजिए भोलिए गौ मात की जय हो। सनी टेम गुरु गोरखनाथ होना शेष नाग पद्म नागरी गुगल बना धरती पे लेर आ गया। हाँ अबे सनी टेम कई कवि लोगों ने महिमारो ब्रह्म लिखे। अच्छा क्या बात है, हो देव पदार्या पाताला सुन हो बीरा धरती पे आवे मोरा अरे राजा रे वाशकरी गामुवारी बाबूजी भी तो है नंद किशोर था सतयुग में कितना वेला, ठीक है मान कलयुग में तो है मोगला के तो सतयुग ने कली के पास बांधी गलिया था अरे तीन नंद किशोर ने। अरे गुरु गोरखनाथ हाँ बने गुगल रो प्रसाद माता बासल रानी ने दिदो दिदो लो रानी यो प्रसाद आप ग्रहण कर लीजो। हाँ कुछ दिनारे बात में आप रे बालक रो घरे जन्म भी जा वेला माता बासल रानी गुरु गोरखनाथ जो प्रसाद दो देवे वो प्रसाद लेर घरे आया अवे वो प्रसाद ग्रहण की दो करे कुछ दिनारे बात में मारा नात्रो पेट में रघुवास धारण भी गयो। जे हो जो गुरु गोरखनाथ प्रसाद दो हाँ। वो माता बासल रानी प्रसाद ग्रहण की दो ये हो और कुछ दिनारे बात में माता बासल रानी रा पेट में गर्भवास धारण दीजिए। तो रानी सा वो प्रसाद लेवारे खातिर हाँ। रघुवास धारण लेवारे खातिर मणी माता बासल रानी ने मणी ठिकाना मु तानो लागे अरे किशोर रानी
जेवर सिंह जी ने 12-12 साल भी गया यो ठिकानो यो गांव यो चूना खेड़ा छोड़ी चलिया गया अच्छी खाने नहीं जानी यो पाप कनीरो लाया हो था हाँ बता बोल अच्छा अच्छा रानी ने ओलमा मिले पर मन ही मन में जानी ये बे करे तो करे कहीं क्योंकि सत्या सत मत छोड़ियो सत छोड़िया पत जाय 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 छतरी बांधी लक्ष्मी बीरा फेर मिले लाय आयो आय रानी सा ने एड़ा एड़ा ओलमा मिले मु ठिकाना मु राजा साहब रो दरबार मु हुकम बियो असी रानी अपना ठिकाना में नहीं जाई जे अपनी ताड़ो ओरा नहीं हिकाई याने देश निकालो देवो रानी ने यारा पीर भेजो परा परा असी रानी अपना ठिकाना में नहीं चावे हाँ का ओद वगाड़े जो कलंग लागे अपना ठिकाना में हाँ जनी टेम अंदाता पेट में बोले कई बोले हे माँ हे दादाजी हाँ जन्म मोनी ठिकाना भी लूंगा वाह भाई वाह जनी टेम पूरो मेल पूरो ठिकानो गरम ही जावे बट्टी तबे क्यों रानी सारा आँखें मुँह आंसू पड़े तड़ तड़ बे कन्ये केवे कौन होने न किन्ने केवे आने कौन वंडी माने जे हो अरे पूरी सत्ता अलग ने एक एकलो आदमी क्या कर सकता है हाँ शेर बुढ़िया बल पीछे तो क्या करे बलवंत बाव जी क्या बात है यार रानी सा केवल लगा क्यों रानी सा ने सो सो ओड़मो मिले किया ने देश निकाल दी तो एक हलकारो साथ में रानी ने अंडे पीर भेजो पर अनि पेट वाला बाया इसको जो देखो एक माँ में कई विपता पड़े उल्याद नहीं है तो तेरे लोग भाग मंडो मुंह देखते हो पसंद नहीं करता भगवान मंडे उल्याद भी तो वंडे ठिकाना रिस भी ने धिक्कार करे है बाबूजी एक एक बात बताऊं आप तो है 9 मिनट भी एक दही किलारी ईट अटे बांधिन भर दो सती पसीदान हाथ रोजा तो बात 9 महीना बेड में रखे हो है बोधक कतरो वेला कई ठिकाना मु ओड़मा मिले रानी सर अच्छू मिले हो देश निकालो देवो रानी ने हो बिरा एक हलकारो साथ वो हाय राम शिंगिया RJ09 करम राज बड़ी सादड़ी अरे भेजो रानी ने यारा पीव सो शादी सज जाए जायो जाए दुश्मन चुगली अनेक करे हाँ मगर ईश्वर दे सो खाए बाबू जी भगवान ही मर्जी आगे कनी नहीं साले लो देख लो अट्टे बावन भी जी जे हो
बटने केवल पर आएंगे बावन भी जी माने दरकाना ने बस में करो छोड़ी बड़ी वो तो भगवान भराई से भी भर रही हो बली बीजवार वाली पाली पे बैठे गया तो वो पाली भी नहीं पड़ी हो रही है वनी टीम बांचल रानी दास सुषमा जी रानी सारे चरणा में जय पड़िया द केरी पड़े जो रानी सा ने केवन लगा है रानी ओ माफ करो मने हाँ ये जानो नहीं या कहीं मिला है हाँ जनी टेम माता बाचल रानी दास सुसरा जी रानी सा ने अरदास करे जनी टेम माता बाचल रानी केवन लगा क्यों हे पिताजी हाँ मने गुरु गोरखनाथ रो आशीर्वाद मिलियो है हाँ गुरु गोरखनाथ रो प्रसाद खाऊं मारे यो पेट में बालक है बाईशा मारा हमुन्नालो जे हो बस सत्युग्री बात थी जेवी सतवंती रानिया थी ठीक है देखा बाणो आजकल री रानी ने यूं हो रहा थी की तो मौको लागे तो नी हो रहा कोट री गाजिया सड़ी सड़ी ने मौको लागे तो नी सामड़ा री खाड़ी फाटी जा पण वो केस नी उठावे कुछ भी बोलते हो है ना जनी टेम माता बाचल रानी का सुसरा जी माता बाचल रानी ने केवल लगा हो गलती मारी बख्शो हो मैं तो जाकर था अरे ठाकर ने ठुकराने रो मजरो दे मगर मेरे गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद अपना ठिकाना में ही और मां को मुख देखो बे लोग बाग पसंद करेगा आजकल लो तो जमानो बावजी पूछो है मुथान को जे हो ठीक है के वो एक भजन तो के बेटा तो पलंगा पे पोड़े दादा जावे ढांडा में के वहीरो वते होरो आई या खबर कोनी के बापड़ा बने बने होरो होरो वाते वणा कतरो तक देचो ठीक है कि पहला रा बात मानता अबे वाला तो मारे लागी मोटर साइकिल रे किंग ने जा कतरो देखो तो बोजो जावर सिंह जी जंगला में भक्ति करे करे वनारे भी छोटा छोटा बच्चा री कान में आवाज आवे आवे पिताजी मेला में चलो मु जन्म लूला अबे लूला आपरे बाजियारो कलंग मिटेगा मिटेला दुनिया में आपरो अमर नाम होवेगा वेला वेला वेला
गामा गामा आपरो नाम मारो नाम पूजा जागा पूजा वेला छरी टाइम जावर सिंह जी चौहान सब संतारो आशीर्वाद देर ठिकाड़ा में पहुंच जावे अभी या वहां गुरु गोरखनाथ रे पास में जावे हां बाकी कियो जोर राजा जेवर सिंह जी रे ठिकाना में लाला जन्मया है गुरु गोरखनाथ रा आशीर्वाद वाह भाई जनी टेम पूरो नाथ मंडल ददेरवा नवल वागु रवाना होवे हां ठिकाना री ओर वही हो अबे कुछ दिनारे बात में मारो नात्रो जन्म होवे जेवर सिंह रा पिताजी उना दाशा ने केवे केवे दाशा आओ ई बाळक कणीरा रोवे हां ई छोटा छोटा लाला कणीरा रोवे है ठिकाणा रे महीने हां खबरियां ले राओ जाओ थे हां जनी टेम मारा नाथ गोक सुवांडो जन्म होवे राजस्थान का चूरू जिला राजगढ़ के सिंह ददरेवा गांव रे मई में जनी टेम कई तो बालक रोवे और की बालक री आवाज आवे छोटा छोटा बच्चा री आवाज आवे गुरु गोरखनाथ रा आशीर्वादो गोक सुवांडो जन्म होवे जनी टेम कई तो जेवर सिंह जी मना दाशा ने केवे लिखवे और कई कवि लोगाणी महिमा रो वर्णन लिखे सा लिखे कई जेवर सिंह जी रा पिताजी मना दाशा ने केवन लगा अच्छो केवे हो जावो दाशा खबरिया लावो लाला कणी रही रोवे ओ राज
तेरा तोड़िया शाम की जे हो दासा दौड़ी दौड़ी जावे हाँ केवन लागी क्यों लाला जेवर सिंजीरा लोवे हाँ अठिने सोन थाल बाजो है वाजे तो अब यह बात गुरु गोरखनाथ रे पास में जावे के जेवर सिंह जी चौहान रे लाला जन्मी गया है ठिकाना में जनी टाइम जेवर सिंह जी चौहान का ठिकाना में गुरु गोरखनाथ सारो नाथ मंडल ले रहा है अबे लगेला बो जे हो अति देर मुई वाट डाली दो क्योंकि सतगुरु आवत देखिया जरे खांदे लाल बंदूक 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 गोला सुडसी ज्ञान रा बिरा भाग जासी यमदूत दे हो क्योंकि सतगुरु मेरे बाणिया बिनज करे वो पार बारो पार बिन डांडी बिन ताकड़ी बिरा तोल लियो संसार सारो संसार गुरु गोरखनाथ सारो नाथ मंडल जेवर सिंह रे ठिकाने पधारे अवे गुरु गोरखनाथ ने वदन माता बासुदानी ठिकाना रे मायने लेर आवे आया जेवर सिंह जी सब संतारो आदर भाव करे हां चरण दो चरणा मत पीवे हां बणा ने आसन पे बिठावे हां जनी टाइम गुरु गोरखनाथ रा चरणा में वो छोटो सो बालक गुरु गोरखनाथ रा चरणा में रखे जोड़ी में मेले जनी टाइम गुरु गोरखनाथ नाथ माता पे हाथ धरिन केवन लागा है केओ मारो नाम है गोरखनाथ नाथ मारी राशि पेणी बालक रो नाम देऊ गोग चौहान क्षत्रिय वंश सूर्यवंशी राजा केवावेगा हां कुलदेवी मां आशापुरा नाडोल दी धरियाणी कुल धरियाणी मां आशापुरा वाजेगा जे हो मां देव जी रो भक्त वाजेगा हां अणी बालक ने मरती गाया रा प्राण मेंडो शीश कटी जागा हां गुरु गोरखनाथ रो चेलो वाजेगा हां मरती गाया में आपरो शीश कटी जागा हां आपरेणी बच्चा रो यो नाम है जे हो अनी बच्चा रो यो नामांकन है दुनिया में आपरा बच्चा रो नाम अमर भी जागा कहो बाबूजी जे हो सोरो तो एक मैं तीन चार नाम आजकल साधु काढे जे हो दीगुणा वाला पर अत्रो मोटो नाम मैं कदी नहीं भूलू जे हो आज तो हूं हां अंदर तरो यो जन्म प्रमाण पत्र है हां राजस्थान का चुरू जिला राजगढ़ तहसील ददरवा गांव रे मैंने आपरो गुरु गोरखनाथ रा आशीर्वाद यो जन्म बियो के हो और अबे जू जू अंदाता बड़ा होव लगा हां हरता फरता 10 साल की उम्र वे 20 साल की उम्र वे गोक्षवान हरता फरता रात रो टाइम हां दिवलारी जोत जलाईडी हां अपना ठिकाना रे मैंने हरता फरता घूमता फिरता हां आधी रात रो टाइम दियो हां दिवलारी जोत जड़ाई दी हां अपनी भोजाई से देखिन केवन लागा अच्छो हे देवरिया आओ इत्ता अनुता क्यों चालो हो हां कटे पड़ी थी फोड़ो गई आधी रात रा दिवला जड़ो हेड़ा हां ठिकाना में हरो फरो थाने शर्म नहीं आवे मन तो हुआ दो आओ ना तो हुए न हुआ दे हे देवरिया आओ आप रानी दिवला ने परा निंदाओ हां मतलब लाइट ने बड़ी बंद करो माथा कना पड़ी जा जे हो अरे वनी टेम अपनी भोजाई सा गोक्षवान ने तानो देवता तक केवन लागा देवरिया आओ इत्ता अनुता मती चालो कई था के राठोड़ा रे तोरण मांगनो कई ओहो जनी टेम गोक्षवान ने रीस आ जावे अपनी भोजाई से हम क्यों लागा कैचो अरे भाई ना जाया पियाड़ा रे वासक देव बिरुड़ा जाया पियाड़ा रे वासक देव कुल में जाया रे कुंवर के
भोलिए घोग चौहान की।